आज तानपुरे से सितार तक और बांसुरी से शहनाई तक सब बेसुरे हैं, और तबला पखावज ढोल मृदंग सब बेताला हो रहे। तिरंगे तक ने सर नवा दिया, स्वर को किला लता दीदी नहीं रही। लता जी ने कल सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली और शाम 7:16 पर उन्हें मुखाग्नि दी गई। कोरोना और निमोनिया से 29 दिन लड़ी, लेकिन कितना लड़ती, उम्र भी तो 92 हो चली थी। अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया, तब तक देश वहीं मौजूद रहा, खड़ा रहा। मुखाग्नि भतीजे आदित्य ने दी, साथ में भाई हृदयनाथ मंगेशकर झुके सिर और नम आंखों से हर वो काम करते रहे जो आदित्य कर रहे थे। बगल में सब कुछ देखती लता ताई की बहनें उषा आशा और मीना भी मौजूद थी बैठी सी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े लोग आए और करीब से श्रद्धांजलि देते गए। बाकी लाखों करोड़ों लोग दूर से, घरों से, अपने अपने शहरों से, और जिसे जहां जगह मिली वहां से सब देखते रहे, अपने तरीके से अंतिम प्रणाम करते गए। हर मोबाइल रेडियो घर दुकान कार सब जगह लता ही तो थी, बोलती लता, उनके तमाम गाने गुनगुनाते और दोहराए जाते रहे। लता जी के निधन पर 2 का राष्ट्रीय शोक रहेगा, यानी देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह के जश्न का कार्यक्रम नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने लता जी के सम्मान में सोमवार को सार्वजनिक छुट्टी और 3 का राजकीय शोक घोषित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को 1/2 की छुट्टी घोषित कर दी है। इससे पहले सेना के जवान लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर घर से बाहर लाए। इसके बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। उनका पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के ट्रक में रखकर शिवाजी पार्क ले जाया गया। मुंबई के हजारों लोग लता ताई को अंतिम विदाई देने सड़कों पर उतर आए थे। बाकी लाखों करोड़ों लोग दूर से, घरों से, अपने अपने शहरों से, और जिसे जहां जगह मिली वहां से सब देखते रहे, अपने तरीके से अंतिम प्रणाम करते गए। हर मोबाइल रेडियो घर दुकान कार सब जगह लता ही तो थी, बोलती लता, उनके तमाम गाने गुनगुनाते और दोहराए जाते रहे। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी, जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है, उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुशबू का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है, इसमें ईश्वर का आवाज होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब कोई धर्म कोई सीमाएं नहीं थी, वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत जो गीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। आई एम रियली शैटर्ड, मेरे लिए पर्सनल लॉस है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही।
बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फ़ोन पे बात करता था हर 15 दिन में। और मुझे आज भी याद है, 1 जनवरी में मैंने उनसे को विश किया और उनसे मैंने विशेज लिए नए साल की। Somebody like Lata ji is not just a singer, not just an icon. I think part of a soul, part of a consciousness of India, Indianness, Hindustani music, Urdu poetry, Hindi poetry, Bengali, and so many other languages she sang. And this void is going to remain forever. और पूरे देश के दिलों पर राज करने वाली वो ऐसी एक शख्सियत थी, वो हमारे बीच से चली गई। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है, पूरा देश आज गमगीन होगा। और कोई शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं सदा सुमन उनका अर्पित करूं। बहुत ही दुखद समाचार सुबह प्राप्त हुआ। लता दीदी का संसार छोड़ना मुझे लगता है कि भारत में संगीत संस्कृति इसके एक युग का अंत है। उसके बाद इस तरह की एक मेलोडियस वॉइस दुनिया में आवाज़ पैदा हुई थी, और शायद कई हज़ार साल बाद इस तरह की जो वॉइस दुनिया में दोबारा आएगी। गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज़ और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। स्वर कोकिला नहीं रही, भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी आपके बिना ये देश सुना है, इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति। लता मंगेशकर जी अब हम सबके बीच नहीं रहे। लता जी का जो योगदान भारत में रहा है, भारतवासी किसी भी सूरत में उनको भूल नहीं सकते। मुझे याद है कि जब भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, जिसमें उनको सम्मानित किया गया था, उस समय समाज जीवन के हर क्षेत्र से इस बात की प्रशंसा की गई थी। यह चयन बहुत ही उपयुक्त हुआ है। केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन। मेरा सौभाग्य रहा कि लता जी का स्नेह या उनके परिवार वालों से हमेशा बातचीत होती रही। लता जी का स्नेह हमेशा हम पे बना रहा, और ना ही सिर्फ यहाँ पे बल्कि पार्लियामेंट में भी। मेरा सौभाग्य था कि जिस टर्म में वो राज्यसभा में थी, मैं भी उस टर्म में राज्यसभा में था। लेकिन सबसे गजब की बात कि उनकी शख्सियत ऐसी थी लता जी की कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि एक दो बार प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व भारत के और अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद उनके लिए रुक कर इंतजार कर रहे थे, और खुद वो जब आ रही थी तो बढ़ के उनका स्वागत किया। बहुत दुख की और तकलीफ की बात है कि लता दीदी जैसी आर्टिस्ट हमारे बीच नहीं है आज,
और हम लोग के हिंदुस्तान की शान थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कलाकार, और ऐसे कलाकार और पैदा नहीं होंगे। आज कितना दुखद पल है, लता दीदी जो कि पूरे विश्व में अपने स्वर की तासीर उन्होंने ऐसी पहुंचाई कि आज सारे जगत की वो दीदी बन गई, और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा कि उनसे कई बार मुलाकात हुई, बहुत नज़दीकी बैठ के बात करने का भी अवसर मिला। लता जी इस दुनिया में नहीं रहे, क्यों ऐसे शख्स जाने नहीं चाहिए, क्यों कि ये ऐसी इबादत उन्होंने की थी कि जन्मों जन्मों की भी तपस्या है, जो एक जन्म की नहीं होती है, ये जन्मों जन्मों की तपस्या होती है, एक जन्म में गाना नहीं आता। तो उन्होंने ऐसा गाया कि जो हम सुन के हमारे दिल को सुकून मिलता था।